अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इंटर्न छात्र ओपीडी सेवा को बाधित कर दिए। वहीं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन इंटर्नशिप के बैनर तले करीब 200 छात्रों को अपने सीनियर पीजी डॉक्टरों का भी समर्थन मिला हुआ है। संगठन का दावा है कि पूरे सूबे के सभी अस्पताल में आंदोलन किया जा रहा है। उन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जाए, तभी ओपीडी चालू होगा। वहीं ओपीडी बंद होने से दूर दूर से आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि इंटर्न्स डॉक्टर्स की मांग है कि उन्हें जो 15,000 रुपये स्टाइपेंड मिल रहा है उसको बढ़ाकर 35,000 कर दिया जाए। बताते चले कि पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बंद ओपीडी को घंटों बंद कर ओपीडी के सामने ही डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी रहा। अस्पताल अधीक्षक के समझाने के बाद भी इंटर्न डॉक्टर मानने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में बाहर से आ रहे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड नहीं बढ़ाने तक हड़ताल किए जाने की बात कर रहे हैं। वहीं दूर दराज से आए मरीज काफी हलकान हुआ परेशान है। इस बाबत जमुई से आए नीतू ने बताया कि उसके बच्चे को जमुई सदर अस्पताल से मायागंज अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन यहां इंटर्न डॉक्टरों के हड़ताल के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। काहे नहीं चिट्ठा कट रहा है, पता किए? अच्छा, कहाँ से आए हुए आप लोग? क्या नाम हुआ? क्या हुआ है बच्चे को? बच्चे को 1 साल की हो गई है, लड़की है पलड़की नहीं, खाने हम जम्मू से आए। क्या चीज का इलाज कराने आए? बच्चा के परेशानी है, हाथ पर हिलाता नहीं, साल भर हो गया है, मुंडी ऐसे कर देता है। तो यहाँ जो धरना दिया है डॉक्टर वगैरह, आपको पता नहीं था? नहीं था, वहाँ से भेजे हमको डॉक्टर सब मूर्ति सर, वहाँ से जम्मू से। तो चिट्ठा कटा के इलाज कराने गए आप? नहीं कटा चिट्ठा। क्या बोले? बोला हड़ताल है, चिट्ठा नहीं कटेगा। क्या? उसके बच्चे को खड़े होने और बैठने में परेशानी है। वहीं जूनियर डॉक्टर ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और जब तक हमारा स्टाइपेंड 15,000 से बढ़कर 35,000 रुपये नहीं किया जाता, तब तक ओपीडी बंद रहेगा। एक तरफ उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग मरीजों की सेवा के लिए 12 घंटे सेवा करने के बावजूद हम लोगों को स्टाइपेंड सही से नहीं मिलता, इसी बाबत हम लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए हम लोगों ने ओपीडी बंद कराया। स्टार्ट नहीं की, पहले हम लोग बाय प्रोसेस गए। सबसे पहले हम लोग ने एप्लीकेशन दिया, इन्फॉर्मेशन दिया कि पहले हमारी मांग को सुनी जाए। हम लोग पहले गए कि हम लोग स्ट्राइक नहीं कर रहे सर, हम लोग की बात को सुनी जाए। पहले यहाँ अधीक्षक महोदय से, हेल्थ सेक्रेटरीट और गवर्नर सबको मैसेज मेल फॉरवर्ड करवाए हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बाकायदा 10 दिन का हम लोग टाइम लाइन दे के बोले थे कि अगर 10 दिन में कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया तब हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। अब 10 दिन के बाद भी अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता हड़ताल के अलावा। और हमारे साथ जितने भी हैं IMA और JDA सबके सारे एसोसिएशन के लोग हमारे सपोर्ट में ही हैं। सारे बिहार के कॉलेज में एक साथ हड़ताल हो रहा है, उसके बाद भी कंप्लीट ओपीडी बंद नहीं था, 1-2 दिन के लिए वार्निंग था। अब ये हम लोग लगातार अभी 3 दिन से कंप्लीट ओपीडी बंद रखे हुए हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम ही लोग इलाज करते हैं इन लोग का, हमको भी उतनी परेशानी होती है जिस तरह ये लोग परेशान होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी बात को और कौन कैसे सुना जाए, क्या करें कि हम लोग वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आया? जब तक आएगा नहीं हम लोग क्या करें? और फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, 12-12 घंटा नाइट ड्यूटी करने के बाद यहाँ बैठे हुए हैं। ये यही दिक्कत है कि हमारी बात को सुनी ही नहीं जाती है। कोई इमरजेंसी खुला है, बाकी ओपीडी सेवा कंप्लीट बंद है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं हमारे। क्या लगता है आपको इस ढंग से करने से आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल, कम से कम उम्मीद तो यही है, कम से कम हम तो ये उम्मीद रख के कर रहे हैं कि हमारी परेशानी को सुनी जाए, नहीं तो फिर और आगे देखा जाएगा कि और क्या रास्ता है हमारे पास। हम लोग भी अपने एसोसिएशन में सब लोग आपस में बात करके डिसाइड करके आगे देखेंगे कि और लोग जो अपने स्टाइपेंड को इंक्रीज करने के लिए के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि हमारा अनिश्चितकालीन प्रोटेस्ट है। हम लोग पिछले 3 दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात है अब तक गवर्नमेंट के साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। जब तक गवर्नमेंट के साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा ये हम लोग का स्ट्राइक चलते रहेगा। और ये सिर्फ हमारे अपनी कॉलेज में नहीं बल्कि बिहार के जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज है 8, वहाँ पे स्ट्राइक चल रहा है और कंटिन्यू चलेगा। इससे सरकार से डिमांड है कि हम लोग की डिमांड को सुने। हमारा जो अभी 15,000 स्टाइपेंड है जो बहुत कम है, 30 दिन काम करने के बाद, 1 दिन में 12-12 10-10 घंटे काम करने के बाद, नाइट ड्यूटी करने के बाद, फिर भी
एक दिन का सिर्फ 500 रुपए देता है, जो एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम है। इसलिए सरकार से डिमांड है कि हम लोग का जल्द से जल्द 15,000 से लेकर 35,000 स्टाइपेंड किया जाए, तभी हम लोग स्ट्राइक को रिटर्न आएंगे, अपने काम पे आएंगे, अदरवाइज हम लोग काम पे नहीं आने वाले। और जितने भी लोग ये लोग परेशान हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार सिर्फ सरकार है। हम लोग को खुद नहीं अच्छा लग रहा है, इतने लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही है, इन सबके लिए सरकार जिम्मेदार है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हमारे अधीक्षक से क्या आश्वासन मिला था? अधीक्षक से हम लोग लेटर दिए हैं, तो अधीक्षक ने जो है फॉरवर्ड कर दिया है स्वास्थ्य सचिव को और गवर्नर को। मांग अगर पूरी नहीं हुई तो क्या कीजिए? नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारे डिमांड नहीं मानेगी सरकार। हमारा ये कंटिन्यू चलता रहेगा स्ट्राइक, ये हमारा अनिश्चितकालीन स्ट्राइक है।